हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के नक्शे कदम पर चलते हुए एक और पैन इंडिया मूवी जिसका नाम गंगूबा है, उसने भी अपनी मूवी का ग्लिम्स रिलीज कर दिया। इसकी तो कुछ भी हाइप नहीं थी मार्केट के अंदर, इसका तो नाम ही किसी को नहीं पता था। लेकिन जब इसकी ग्लिम्स रिलीज हुई तो इसकी हाइप बन चुकी है फैंस के बीच में, क्योंकि इनका जो ग्लिम्स है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके जो VFX है इतने कम बजट में इतने ज्यादा अच्छे बना के दिए इसके मेकर्स ने कि 600 करोड़ में आदि पुरुष तक वो नहीं कर पाई थी। लेकिन इतने कम बजट में गंगूबा ने वो कर दिखाया, क्योंकि इसके जो VFX है वो काफी ज्यादा अच्छे आदि पुरुष है, और तो और उसका बजट भी इससे कई ज्यादा कम है। बता देता हूँ इसके अंदर है कौन कौन। सबसे पहले तो इसके अंदर लीड कैरेक्टर में है हमारे सूर्या भैया, और दूसरे पे आती है हमारी दिशा पटानी, जिसका कैरेक्टर जो अभी रिवील नहीं किया गया है। लेकिन सूर्या भैया का फर्स्ट लुक जो दिखा दी गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा तकड़ा धांसू लग रहा है। इन्होंने अपने गले में अलग अलग जानवर के दांतों की माला पहन रखी है, और अलग अलग तरह के वेपन्स भी दिखाया गया है। और तो और ये कहानी जो है वो फिक्शनल हिस्टोरिकल होने वाली है, मतलब इसकी कहानी जो है हिस्ट्री के अंदर ही चलती रहेगी। लेकिन अगर इनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा जानना चाहो तो ये हो सकता है, अगर आपने KGF देखी हो, जैसे उसके अंदर कहानी की कुछ लोग होते हैं वो KGF के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस मारे उनके बारे में पता लगाते हैं और जानते हैं। तो ऐसे इसके अंदर भी हो सकता है कि टाइमलाइन तो अभी प्रेजेंट टाइम की चल रही हो, मतलब 2023 की, लेकिन जो एक हमारी दिशा पटानी कैरेक्टर है वो एक रिपोर्टर हो या फिर हिस्ट्री पर बेस्ड कुछ रिसर्च करती हो, तो वो हो सकता है कि इनके बारे में और जाने और इसी तरह से हमें इस मूवी की कहानी दिखाई जाए। बाकी तो अगर इनकी स्टोरी के बारे में और पता लगाना है तो इनका ट्रेलर या फिर टीजर आने का वेट करना हो, वरना जब तक तो कुछ ज्यादा पता लग नहीं पाएगा। तो इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और ही कर लेंगे, जिससे हमें कहानी के बारे में सब कुछ ना तो थोड़ी बहुत हिंट तो मिल ही जाए। अगर आपने गंगूबा का ट्रेलर देखा है और आपको वो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।